नमस्कार। आज मेरे साथ महाराष्ट्र प्रदेश मीडिया सेल चंदन जी हैं। सर नमस्कार। टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। सर जैसा अभी हम बात करें दो राज्यों पे, महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर आने वाले अगले महीने पे 15 तारीख को इलेक्शन तो होने वाले हैं, तो महाराष्ट्र और नागपुर की अगर हम बात किया जाए तो विधानसभा की उसमें क्या तैयारियां चालू है आपकी पार्टी के साथ? विधानसभा की तैयारियाँ पूर्ण कोशिश की है। यहाँ पर हमने प्रदेश स्तर से लेकर तो बूथ स्तर तक की हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने वहाँ पर प्रदेश से जो जो भी हमें गाइडलाइंस आई, हमने यहाँ पर बूथ के जो कार्यकर्ता है, पेज के जो प्रमुख है, हमने यहाँ तक एक पेज का प्रमुख तक बनाया है। जो 50 मतदाता होते हैं उनके घर तक जाने के लिए, उनके पास अपने पार्टी का जो भी है पहुँचाने के लिए, वो हमने पूरी तैयारी कर लिया है यहाँ। सर वाकई पे क्या लोकसभा की अगर बात किया जाए, जिस तरीके से मोदी लहर चल रही थी आज वो लहर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्या दिल्ली की लहर आज महाराष्ट्र में दिखेगी? नहीं दिखेंगी। पिछले 15 सालों का जो निकम्मा फन जो काम नहीं किया इस आघाड़ी सरकार ने, तो वह तो लोग बिल्कुल बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। और रही बात मोदी लहर की, तो मोदी लहर तो हमेशा तक रहेंगे, क्योंकि 15 साल का और 100 दिनों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो 100 दिनों में मोदी सरकार ने इतने अच्छे डिसीजन लिया है जो 15 साल तक नहीं लिए आघाड़ी सरकार ने। तो वह तो लहर है और लोग और नए मतदाता है, वह तो बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। जैसा कांग्रेस भी ये वादा करते आते हैं कि कंटिन्यू हम 15 साल से आज राज कर रहे हैं और इस कुर्सी को कांग्रेस की सीट को हम नहीं छोड़ेंगे, तो आज जो जागरूकता है मतदान में भी जो पिछली देखी गई, क्या वही जागरूकता फिर से अभी भाजपा कंटिन्यू इस मेहनत पर लगी है? देखिए यही बात है, हम सत्ता के लिए नहीं, हम लोगों के सेवा के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए, लेकिन कांग्रेस और दूसरी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस वो सत्ता के लिए करती, कुर्सी के लिए। हमने हर समय जनता की भलाई के लिए काम किया है और इस समय जनता ने हमें शासन तक पहुंचाने का पूरा वादा किया है, वो बिल्कुल आतुर है। हम लोग यहाँ पर वो देखा जाए तो कई भ्रष्टाचार घोटाले, 11,880 करोड़ के घोटाले तक पूरे आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे चुके हैं मुंबई में आकर के, उसका पूरा आकलन किया है, वह जनता तक पहुँचा है। तो उसके घोटाले और जो उनके लोगों के जो अहंकार है, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का अहंकार है, उस कांग्रेस के अहंकार को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरी तरह से पहुंचाने का निर्णय किया है। नागपुर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आज सेना दोनों गठबंधन पे, नागपुर पे किस किस इलाकों से या कितनी सीट आप भारतीय जनता पार्टी पे खड़े करेंगे? देखिए ये महायुति का एक जो भी मुंबई के जो हमारे जो वरिष्ठ है वो जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है, कार्यकर्ता को मान्य, क्योंकि ये पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। संगठनात्मक पार्टी होने के नाते यहाँ पर में जो निर्णय होते हैं वो प्रदेश और संगठन के स्तर पर लिए जाते हैं, और जो निर्णय होंगे वो हमें मान्य रखते हैं। फिर भी अगर छह सीटों में बात किया जाए, कोई ना कोई 2-3-1 सीट वो जो निर्णय वो लेंगे उसके ऊपर में हम खड़े उतरेंगे, उसी आधार पर पार्टी खड़ी उतरेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए विधानसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीतती है, पीएम का चेहरा आज किसका सबसे सामने रखा जाएगा? नहीं, पीएम का नहीं, ये महाराज का। देखिए यहाँ पर मैं जो चुनावी प्रतिनिधि है, मैंने आपको पहले ही बोला कि संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के अनुसार चलती है। जो भी महायुद्ध के जो भी घटक या जितने भी चुने जाएंगे वहाँ जो निर्णय होगा वही हमें मान्य रहता है। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि चंदन जी ने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो भी आला अधिकारी जो फैसला करेंगे वही है फैसलों पे पार्टी खड़ी उतरेगी। आगे भी आप देखते रहिए टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज़, सलीम रहमान, नागपुर।